हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज IS-456 का। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं और बहुत सा पैसा और रेपुटेशन कमाना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो ये क्लॉज सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज साबित होगा। चाहे आप फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इस क्लॉज को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फील्ड वालों के लिए तो ये क्लॉज एक तरह से वरदान है जो उनको बहुत सी मुसीबतों से बचाता है। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपके साथ इस क्लॉज के बारे में बात करूंगा, इस क्लॉज की क्या इम्पॉर्टेंस है और क्यों कंट्रोवर्सी पैदा हुई इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी इस क्लॉज को लेके किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्लॉज क्या है। दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर अब तक आपने रेकॉन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो ये काम पहले कर लीजिए, जिससे आपको रेकॉन सिविल एकेडमी के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले क्लॉज है क्या। क्लॉज है दोस्तों एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का, जिसका नंबर 16 है IS-456 में। IS-456 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो दोस्तों 2000 में आया था और वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी इस क्लॉज को लेके, क्योंकि उसके बाद आईएएस कोड के काफ़ी अमेंडमेंट आए। अमेंडमेंट 1, अमेंडमेंट 3 और अमेंडमेंट 4 में ये क्लॉज हर बार अमेंड हुआ और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो फाइनल अमेंडमेंट है, जिसके बाद फाइनल रूप दिया गया इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को। इस क्लॉज को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तैयार करने होंगे, जिससे कि हम इस क्लॉज को अच्छे से समझ सकें। ये इसका बेसिक रूप है जो 2000 में पब्लिश हुआ था और ये इसका फाइनल है जो कि अमेंडमेंट 4 में आया था। ये आज के लिए है दोस्तों, और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है और इसी तरह कैलकुलेशन करनी है, ना कि इससे। तो अगर आपके पास पुराना आईएएस कोड है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस आईएएस कोड में इस क्लॉज को ना पढ़ें और इस नए क्लॉज को पढ़ें। ये जो नया अमेंडमेंट 4 का पीडीएफ है दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब क्या है ये क्लॉज और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझना होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए हम ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं और सिंपल सी एक लाइन बोल देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फॉल ना करें। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आया है तो इस सवाल को समझिए। सवाल ये होना चाहिए दोस्तों कि 5% टेस्ट रिजल्ट फेल हो गए, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो FCK ही रहेगी। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझिए कि किसी बिल्डिंग में मान लीजिए मुझे 100 कॉलम खड़े करने थे और हर कॉलम में मान लेते हैं कि 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगनी थी, यानी कि टोटल अगर आप कंक्रीट देखें तो वो कितनी हो गई दोस्तों, 1000 क्यूबिक मीटर हो गई। अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या मतलब है कि 5% तक जो कंक्रीट बनेगी 1000 क्यूबिक मीटर में से, वो अगर FCK से नीचे है तब भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं M30 ग्रेड बना रहा था तो 5% जो मेरे रिजल्ट हैं वो M30 से नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन एरिया है। अब 5% का मतलब क्या हुआ, 1000 क्यूबिक मीटर में से अगर आप 5% ले लें तो इसका 5% हो जाता है 50 क्यूबिक मीटर, यानी कि 50 क्यूबिक मीटर जो आपने कंक्रीट कॉलम के अंदर पोर की है वो M30 से नीचे की है। अब क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसमें दोस्तों ये भी हो सकता है कि 5 कॉलम ऐसे हों जिसमें कि M10 या M5 की कंक्रीट चली गई हो,
बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आपका क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि 5% से ज्यादा मेरे टेस्ट रिजल्ट फॉल नहीं करने चाहिए। तो ये जो कंक्रीट का एरिया है, यहाँ पे 5 कॉलम बिल्कुल ही खराब कंक्रीट के साथ भर दिए गए, क्या ये एक्सेप्ट करेगा कोई भी? और क्या कंक्रीट इस तरीके से भरने से बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं से क्राइटेरिया शुरू होता है एसेप्टेंस का, कि एसेप्टेंस क्राइटेरिया की शुरुआत यहीं से होती है कि हम नीचे जाएंगे तो कितना नीचे जाएंगे, इसको कोड डिफाइन करता है एसेप्टेंस क्राइटेरिया से। तो दोस्तों, अब हम ये समझेंगे एसेप्टेंस क्राइटेरिया को। इसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना जरूरी था आप लोगों के लिए। दोस्तों, यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रेकॉन सिविल एकेडमी एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम आप लोगों को घर बैठे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, जिसे आप डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं, चाहे लैपटॉप में चाहे अपने मोबाइल में। हमारी लेटेस्ट ऐप आ गई है जिससे आप मोबाइल में भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको रेकॉन सिविल एकेडमी ज्वाइन करना है या आपको ये क्वेरी है कि किस तरीके से आप रेकॉन सिविल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि लास्ट 2 ईयर में रेकॉन सिविल एकेडमी के स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में पोजिशन बनाई है, वो चाहे गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों, आप भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में बैठ के तैयारी करिए और अपना भविष्य सुरक्षित करिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे और समझते हैं एसेप्टेंस क्राइटेरिया को। तो एक बार और बता दूं, एसेप्टेंस क्राइटेरिया क्या बताता है? एसेप्टेंस क्राइटेरिया हमें 5% नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हम 5% में बहुत नीचे नहीं जा सकते, वो क्राइटेरिया आता है एसेप्टेंस में। और इसमें हुआ क्या दोस्तों, कि जब IS कोड 2000 आया तो उसमें 2 क्लॉज दे रखे थे, एक M15 के लिए था और एक M20 के लिए था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट होके आया है उसमें अब एक ही है, M15 एंड अबव, यानी कि सारी कंक्रीट के लिए IS कोड ने एक ही कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी टीचर ने M15 और M20 के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको आप ठीक कर लीजिए, ये क्लॉज नहीं चलेगा, अब ये खत्म हो गया है, अब आपको इसी क्लॉज पे पढ़ाई करनी है जो मैं आपको डिटेल में अब समझाऊंगा। तो चलिए, भूमिका बन गई है पूरी, आपको ये समझ में आ गया है कि हमें इस क्लॉज की जरूरत क्यों है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ों को और समझ लेते हैं दोस्तों, वो है स्पेसिमेन क्या होता है और सैंपल क्या होता है, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएंगे आपको क्लॉज समझ में नहीं आएगा। तो क्लॉज तक पहुंचने में मुझे काफ़ी समय लगेगा, मैं पहले आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएं, फिर आपको क्लॉज समझा दूंगा तो आप समझ जाएं। तो IS कोड 2 चीज़ें लिखता है दोस्तों, एक है सैंपल और एक है स्पेसिमेन। अब ये समझते हैं कि स्पेसिमेन का क्या मतलब होता है, सैंपल का क्या मतलब होता है, और उसके बाद फाइनली हम समझेंगे कि ग्रुप का क्या मतलब होता है। इन 3 चीज़ों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब हुआ कि जो आप एक क्यूब बनाते हैं 150 बाई 150 बाई 150 का, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन। तो कोई भी क्यूब अगर आपने भरा है साइट पे 150 बाई 150 बाई 150 का 28 दिन की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो ये एक स्पेसिमेन हुआ। ऐसे अगर आप 3 क्यूब भर लेते हैं तो ये तीनों मिलके बनाते हैं एक सैंपल। तो एक सैंपल में दोस्तों 3 क्यूब होने चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे भी एक क्लॉज है IS कोड का जो आपको समझना है, और वो है 15.4। 15.4 क्या कहता है दोस्तों, कि अगर आपने 3 स्पेसिमेन बनाए हैं, यानी कि 3 क्यूब भरे हैं 1, 2, 3, तो इन तीनों का जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो 15% से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवरेज का। इसको समझिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये समझना जरूरी है तभी आप आगे के क्लॉज को समझ पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने M30 बनाने जा रहा हूँ, मैं आई वॉन्ट टू मेक M30। अब मैंने टेस्ट किए 3 क्यूब को, मान लीजिए एक की स्ट्रेंथ आ गई 40, एक की आ गई 30
और एक की आ गई 20। ओके, तो इनका एवरेज लूंगा तो क्या आ जाएगा 30। लेकिन क्या ये स्पेसिमेन यूज किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि एवरेज का 15% करिए तो 30 का अगर आप 15% करेंगे दोस्तों तो वो कितना आएगा 4.5। ओके, तो आपका वेरिएशन कितना हो सकता था? आपका वेरिएशन सिर्फ 4.5 हो सकता था। 34.5 तक जा सकते थे आप ऊपर में, और नीचे में आप जा सकते थे 25.5 तक। तो आपकी रेंज यही थी इस क्लॉज के हिसाब से, इस क्लॉज के हिसाब से। ओके, जबकि आपके रिजल्ट क्या आए हैं? 40, 30 और 20। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि ये टेस्ट रिजल्ट आपका सैंपल नहीं बना सकते। आपके सैंपल कौन बनाएगा? वो ही टेस्ट स्पेसिमेन आपके सैंपल्स बनाएंगे, जिनका कि एवरेज जो है वो प्लस माइनस 15% है। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि फील्ड में भी काम आता है और इंटरव्यूअर एग्जाम में भी पूछता है और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये पूछा गया है। तो अगर आपका स्पेसिमेन वैलिड है या नहीं है, देखिए यहाँ पे कोड ने क्या लिखा है, ये क्लोड का ही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट डाला है। कोड ने यहाँ लिखा है इफ मोर द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड, यानी कि वैलिड ही नहीं होंगे, इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी, ये एक तरीके से कचरे में फेंक दिए जाएंगे तीनों ही स्पेसिमेन। अगर इनका वेरिएशन एवरेज से कितना है? इनका वेरिएशन एवरेज से 4.5 या कम या ज्यादा है, कोई एक भी हो गया तो। ध्यान रखिएगा ऐसा है, इन तीनों को ही पास करना पड़ेगा 15% का क्राइटेरिया प्लस माइनस में। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्राइटेरिया है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो सैंपल तभी बनेगा दोस्तों जब आपके तीनों स्पेसिमेन जो हैं उनका वेरिएशन एवरेज से प्लस माइनस 15 से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप M30 बना रहे हैं दोस्तों, तो एक ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये 30 हो, एक हो सकता है 32 हो और ये 28 हो। ये तीनों स्पेसिमेन जो हैं ये सैंपल बना देंगे, ठीक है, लेकिन 15% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि स्पेसिमेन को समझाता है। तो तीन स्पेसिमेन मिलके एक सैंपल बनाते हैं, ये पहली चीज हुई। और इन तीनों स्पेसिमेन का क्राइटेरिया क्या है? इनका क्राइटेरिया ये है कि एवरेज जो है उनसे इन तीनों का इंडिविजुअल का वेरिएशन प्लस माइनस 15% से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट चीज हो गई जो आपको समझनी है। तो सैंपल आपका तैयार हो गया तीन से, ऐसे आप बहुत सारे सैंपल लेते हैं। अब कितने सैंपल लेंगे ये आपको डिफाइन किया गया है 15.2.2 फ्रीक्वेंसी के अंदर। इसमें क्या कहा गया है कि कितना काम होना है उस हिसाब से आप सैंपल तैयार करेंगे। तो अगर आप 1 से 5 क्यूबिक मीटर का काम कर रहे हैं तो आप कितने सैंपल तैयार करेंगे दोस्तों? 1। और इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिमेन कितने हो गए? मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, यानी कि 3 स्पेसिमेन आप तैयार करेंगे। दूसरा देखिए, अगर आप 6 से 15 क्यूबिक मीटर का काम कर रहे हैं तो आप कितने सैंपल तैयार करेंगे? 2 सैंपल तैयार करेंगे। और इसमें कितने स्पेसिमेन होंगे? तो इसमें 3 स्पेसिमेन और से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6। इसी तरह 6 से 15 के अंदर अगर आप देखें तो ये हो गया 9। 31 से 50 तक देखें मल्टीप्लाई बाई 3, सो इट इज 12। और 51 के ऊपर कर रहे हैं तो 4 प्लस हर 50 पे 1 एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? अगर आप 100 क्यूबिक मीटर की कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो आप टोटल कितने सैंपल बनाएंगे दोस्तों? 50 तक तो हो गए 4, प्लस 50 से 100 तक एक और हो गया, यानी कि 5 सैंपल बनाएंगे मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 15 स्पेसिमेन आप लेंगे, यानी कि 15 क्यूब आपको बनाने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम 200 की बात करें तो 50 तक हो गए 4, बाकी 150 जो बचे उसमें 3, यानी कि 4 प्लस 3 7, और आप स्पेसिमेन कितने बनाएंगे? 21। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितनी कॉन्क्रीटिंग में कितने सैंपल्स बनाने होते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको समझना है। तो हमने 15.4 समझ लिया दोस्तों टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल क्या होता है। इसके अलावा हमने ये समझ लिया कि हमें कितने सैंपल्स लेने हैं। अब जो मैंने आपको ये बताया था कि टेस्ट स्पेसिमेन में 3 सैंपल होते हैं, ये IS कोड के 15.3 में दे रखा है। 15.3 में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी मेड फॉर ईच सैंपल। तो हर सैंपल के अंदर 3 टेस्ट स्पेसिमेन होने चाहिए, ये भी आपको 15.3 में मिल जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
अब दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो देखिए हमारा वापस से एक बार बेल कर्व की तरफ आते हैं। बेल कर्व में हमारा जो एफ एम था ये हमारा एफ सी के था। तो एफ सी के और एफ एम में रिलेशन क्या था आपको पता होगा, एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप निकाल भी सकते हैं, इसके लिए मिनिमम जो आपको सैंपल साइज चाहिए वो कितनी चाहिए, 30 चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों कितनी सैंपल साइज चाहिए, 30 चाहिए। काफ़ी बार 30 का सैंपल बनते ही नहीं है हमारे, तो कोई बात नहीं, आईएएस कोड ने कहा है कि आप स्टैंडर्ड वैल्यूज ले सकते हैं। अब इसमें भी अमेंडमेंट हो चुका है, ये भी अमेंडमेंट 4 का पार्ट है। ओरिजिनली एम 30 तक ही था, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसमें आईएएस कोड ने इसको 60 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें आप याद रखिए एम 10 और एम 15 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 3.5 है। एम 20-25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है 4 है, और 30 से लेके 60 तक जो है वो 5 है। ये आफ्टर अमेंडमेंट 4 है दोस्तों। अगर आपने कोई पुरानी चीज याद रख कर रखी है तो उसको हटा दीजिए और अपने नोट्स में ये नई वैल्यू डाल लीजिए। पहले एम 50 तक था, आफ्टर अमेंडमेंट 4 ये एम 60 तक एक्सटेंड कर दिया है आईएएस कोड ने। तो ये अमेंडमेंट को ध्यान रखिए, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहती है ये। तो चलिए, तो ये हमने सारी भूमिका बना ली हमारे मेन मुद्दे पे आने के लिए, जो है एसेप्टेंस क्राइटेरिया। तो एसेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए आईएएस कोड क्या बोलता है, ये 16.1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि दो क्लॉज आपको सेटिस्फाई कराने हैं, ए और बी, और ये दोनों क्लॉज टेबल 11 के कॉलम 2 और कॉलम 3 के अंदर है। चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। इसमें उन्होंने एक ग्रुप की बात की है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये ग्रुप क्या होता है, और इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि सैंपल की बात की है। तो सैंपल और ग्रुप में क्या अंतर है, और टेबल नंबर 11 का कॉलम नंबर 2 और 3 क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। तो चलिए ये है हमारा पुराना, जिसको मैं कह चुका हूँ कि छोड़ दीजिए, और अब हम आ जाते हैं नए की तरफ। तो नए में M15 और इसके ऊपर के लिए यहाँ पे ग्रुप के लिए दो क्लॉज हैं दोस्तों, और इंडिविजुअल के लिए एक क्लॉज है, और इसके अलावा दो नोट्स हैं, इनको हम समझेंगे जो पुराने में नहीं थे और उसी से कंट्रोवर्सी थी। बहुत से एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है, स्टूडेंट को पुराना याद रह जाता है। यहाँ पे देखिए एक ही नोट था जबकि यहाँ पे दो नोट आ गए हैं। एग्जामिनर पूछता है आपने पुराना पढ़ रखा है, उसके बाद आप अपील करते हैं कि आपने आंसर गलत बता दिया, जबकि एग्जामिनर आंसर बिल्कुल सही बता रहा है क्योंकि वो नए अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब समझते हैं पहले इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के बारे में, और उसके बाद हम समझेंगे कि ग्रुप का क्या मतलब है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड दे रखा है दोस्तों, नॉन ओवरलैपिंग। इस नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है इसको भी यहीं पे समझ लेंगे। तो पहले हम सैंपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आईएएस कोड ने क्या कहा दोस्तों, कि आप किसी भी सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसकी वैल्यू एफ सी के से -3 के नीचे चली गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एम 30 टेस्ट कर रहे हैं और कोई सैंपल जो है वो 27 के नीचे चला गया है एवरेज, ठीक है, तीन स्पेसिमेन का, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे और उस कॉन्क्रीट को ही रिजेक्ट कर देंगे। एक्चुअली सैंपलिंग का मतलब क्या है कि आपने सैंपल लिया, अगर वो फेल हो गया तो वो जो कॉन्क्रीट आपका कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी बना रहा है उसको आप फेंकने को बोल सकते हैं कि ये नहीं लगेगा। तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि सैंपल की जो साइज है वो एफ सी के -3 से नीचे नहीं जाएगी, यानी कि 30 है तो 27, अगर आप 35 का कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं तो आप 32 के नीचे के सैंपल को यूज करेंगे ही नहीं। अगर आप 25 की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 22। तो देखिए जो मैंने यहाँ कर्व बनाया था इसमें कहीं पे भी आपको लग रहा होगा कि नीचे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सीलिंग लगा दी और वो कितनी हो गई, एफ सी के -3 की, इसके नीचे नहीं जाएंगे 5% से ज़्यादा का टेस्ट रिजल्ट सैंपल में। इंडिविजुअल सैंपल की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप का क्या मतलब है। तो आप बहुत सारे सैंपल लेंगे, जैसा मैंने नीचे इस क्लॉज में आपको बताया कि आपके पास बहुत सारे सैंपल्स हैं, कितने हैं उसको आपको इस रूल से फॉलो करना है कि 1 से 5 तक 1, 6 से 15 तक 2, और इस तरह जो मैंने आपको समझाया। तो आपके पास बहुत सारे सैंपल्स आ गए,
ओके, अब आपने जितने भी सैंपल्स बनाए हैं दोस्तों, उसमें से कोई भी चार आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 सैंपल बनाए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 सैंपल बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैं किसी भी चार को ले सकता हूं, ये मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो कोई भी चार सैंपल का ग्रुप हो सकता है। तो ग्रुप होने के लिए कितने चाहिए? चार चाहिए, लेकिन वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे। नॉन ओवरलैपिंग होंगे का क्या मतलब है कि अगर ये चार ले लिए तो मैं जब दूसरा ग्रुप बनाऊंगा तो इन चारों को नहीं लूंगा, दूसरे को ही चार लूंगा, यानी कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि पहले 1, 2, 3, 4 कर लिया, उसके बाद 3, 4, 5, 6 कर लिया, ये नहीं कर सकते। आपको नॉन ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 करने के बाद उन चारों को टेस्ट कर लीजिए, मैं अभी क्लॉज समझा दूंगा आपको। वो वाला चेक हो गया तो ठीक है, फेल हो गया, कंक्रीट खत्म, फेंक दीजिए, आगे वाले टेस्ट कर लीजिए, 5, 6, 7, 8, उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर दूसरे सैंपल्स नहीं आएंगे। तो ग्रुप क्या हुआ दोस्तों, चार सैंपल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। अब कोड क्या कहता है दोस्तों कि इन चारों का जो एवरेज आएगा इन चारों ग्रुप का, तो मैं यहां लिख देता हूं FGM, यानी कि ग्रुप का मीन, ये बड़ा होना चाहिए किससे, FCK प्लस 0.825 सिग्मा। सिग्मा कहां से निकालेंगे, या तो टेस्ट करके निकाल लीजिए, अगर आपके पास टेस्ट करने का डाटा नहीं है और उतना आप टेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से ये वैल्यू सिग्मा की ले सकते हैं। M10 और M15 के लिए 3.5, M20 और M25 के लिए 4 और M30 से M60 के लिए 5। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए और चेक करिए कि आपका एवरेज इससे ज़्यादा है या नहीं, और इसको चेक करिए और किसको चेक करिए, FCK प्लस 3 को। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी आएगी उससे आपका मीन बड़ा होना चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस कोड ने किया है, कोड चाहता है कि आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बनाएं। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको चार सैंपल का एक ग्रुप बनाना है, उसका एवरेज निकालना है और उस एवरेज को इन दो क्राइटेरिया से चेक करना है, जो भी बड़ा होगा आप वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक करिए, उसके बाद ही आप उस कंक्रीट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप फेंक देंगे, क्योंकि नाम ही क्या, एक्सेप्टेंस। देखिए आप कंक्रीट को साइट पे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये पावर दे दी है एक इंजीनियर को कोड ने, ओके। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब सेकंड इसमें जो नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है, 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट, इज इट ओके। अब यहां पे आप देखिए कि इस वाले काम में या इस वाले काम में या इस वाले काम में तो चार सैंपल बन ही नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो चार सैंपल ही नहीं है, जबकि ग्रुप बनाने के लिए आपको चार सैंपल चाहिए ही चाहिए। तो कोड यहाँ पे आपको लिबर्टी देता है, लेकिन वो एक राइडर डाल देता है कि यहाँ पे आप FCK प्लस 3 नहीं करोगे, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, FCK प्लस 4 करोगे। तो और क्वालिटी कॉन्शियस कर दिया, जो छोटे काम होते हैं उसमें काफी बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए IS कोड ने क्या किया, FCK प्लस 4 कर दिया 3 की बजाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द मीन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल सच सैंपल BFCK प्लस 4, इज इट ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में IS कोड ने क्या किया, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में IS कोड बोलता है कि आप FCK 3 की जगह पे FCK माइनस 2 कर दीजिए, अगर आपके पास पूरा ग्रुप बनाने लायक सैंपल नहीं है तो, यानी कि आप 30 क्यूबिक मीटर से कम का काम करवा रहे हैं अगर, तो आपका क्लॉज क्या होगा, FCK प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे FCK माइनस 2 हो जाएगा। ये नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब लास्ट चीज देखिए कि अगर आप सिर्फ एक ही सैंपल बना रहे हैं, यानी कि आपका काम बहुत ही छोटा है, 1 से 5 क्यूबिक मीटर का है, तो कोड ने यहाँ पे FCK माइनस 3 नहीं कहा है, 2 नहीं कहा है, FCK प्लस 4 कर दिया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया है कोड ने, अगर आप बहुत ही छोटा काम करवा रहे हैं तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और साइट्स पे तो ये आपका
बहुत बड़ा हथियार है काम करवाने का एक सिविल इंजीनियर के लिए, पर आपको पूरी तरह से ये समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें समझा दी है। शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की थी, हमने की थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के 5% के नीचे के रिजल्ट को समझने के लिए। ये कोड में डाला गया है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि आप बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, आपको रोक दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि स्पेसिमेन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के क्लॉजेस क्या हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताए, और ये भी बताया कि अमेंडमेंट 4 तक हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक बटन ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमेशा जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान रखें। कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।